दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने एक पड़ोसी देश के अंतरिक्ष अभियान के बारे में। यूँ तो हर देश जो है उसका छोटा बड़ा अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है वो जारी रहता है, चाहे वो अपने आप उन चीज़ों के अंदर जो है रिसर्च करके आगे बढ़ा हो, या जो वेस्टर्न नेशंस हैं जिनको कि हम एडवांस नेशन या तरक्की याफ्ता देश कहते हैं, उनके सहयोग से वो अंतरिक्ष प्रोग्राम वो देश चला रहे हैं। और दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच में अंतरिक्ष के अंदर जौहरी हथियारों का या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के ऊपर 1991 में जो संधि हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसके बाद से ये तय पाया था कि अब कोई भी देश जो है वो अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन, जो कि अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम बहुत ही खुफिया अंदाज में चला रहा है और उसकी कोई भी विस्तृत जानकारी जो है वो पब्लिक में नहीं दी जाती है, उसके बारे में दुनिया के हर मुल्क, खासतौर से अमेरिका और हिंदुस्तान, दोनों को ही बहुत ज़बरदस्त खतरा नज़र आता है। चीन के अंतरिक्ष प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है उसका इस बारे में क्या कहना है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में जो अभी वर्तमान चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने जब अपने पद का पदभार संभाला था तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि चीन का अंतरिक्ष प्रोग्राम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा अगला कदम ये होगा कि हम मंगल तक अपने अंतरिक्ष अभियान जो है उसको अपने भेज सकें और उससे आगे की भी अंतरिक्ष की हम खोज कर सकें। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से चीन का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है जिस खुफिया अंदाज में चला जा रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा है बेइडू नेविगेशन सिस्टम यानी कि BDS। इस नेविगेशन सिस्टम की मदद से अब चीन जो है वो किसी भी वेस्टर्न नेशन यानी कि अमेरिका, बर्तानिया या फ्रांस के GPS सिस्टम्स के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वो हर तरीके से आज के अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा और वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो उसकी किसी भी कदम की निशानदेही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि चीन ने अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव नामी प्रोग्राम के तहत में ज़मीन और समुद्री रास्तों के ऊपर जो चीनी सिल्क रोड बनाए गए थे, जिसके ज़रिए वो अपना व्यापार और अपनी सैन्य शक्ति में बहुत इजाफा कर रहा है, उसी के नाम के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि चीन का अंतरिक्ष अभियान जो है वो चीन का सिल्क रोड है अंतरिक्ष में, क्योंकि चीन अब ये चाहता है कि उस ज़्यादातर देश जो हैं वो उससे अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी, उसकी रिसर्च जो है वो ख़रीदें और उसके अलावा वो BDS सिस्टम उससे ख़रीदें। BDS सिस्टम चीन से ख़रीदने के बाद ये देश ज़्यादातर उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकली निर्भर हो जाएंगे और चीन इस तरीके से उनके अंदरूनी मामला जो है उसमें दखलंदाजी करके वहाँ की पॉलिसियों और वहाँ के दूसरी चीज़ों जो है वो अपने हक में फैसले करा सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चीन का ये खुफिया प्रोग्राम जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, विश्व शांति के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।